हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलमेनिया 37 के शॉकर्स के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि रेसलमेनिया के लिए बस कुछ ही हफ्ते बाकी है और हमें इस पेपर व्यू में काफ़ी मज़ा आने वाला है। रेसलमेनिया 2 नाइट्स का इवेंट होगा, April 10 and April 11, और इस मेगा इवेंट में हमें काफ़ी सारे शॉकिंग चीज़ें देखने मिल सकती है, काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिल सकते हैं। तो क्या एज बनेंगे पॉल हेमन का और जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और क्या द फीन्ड स्क्वॉश करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन को एट रेसलमेनिया, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं रेट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे रेट्रीब्यूशन टर्न हुए अपने लीडर मुस्तफ़ा अली के ऊपर और उन्हें किक आउट कर दिया उनके ग्रुप से। और अब डेव मेल्सर ने एक इंटरेस्टिंग बात कही है रेट्रीब्यूशन के ऊपर। डेव मेल्सर ने यह कहा है कि थिंग्स काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे हैं रेट्रीब्यूशन के लिए फिलहाल, और चांसेस बहुत ही कम है कि उन्हें फिर से एक बड़ा पुश दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स यह आ रहे थे कि ये जो रेट्रीब्यूशन का जो ब्रेकअप है वो हमें देखने मिल सकता था एट रेसलमेनिया 37, बट WWE ने सोचा कि रेसलमेनिया में नहीं बल्कि वो कर दे फास्ट लेन पेपर व्यू में। पर दोस्तों, थिंग्स काफ़ी ब्राइट नहीं लग रहे हैं रेट्रीब्यूशन के लिए, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स को विंस कैसे यूज़ करते हैं एंड मुस्तफ़ा अली का क्या डायरेक्शन होता है इसके बाद। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं द फीन्ड के बारे में। दोस्तों, जैसे हमने देखा फास्ट लेन में रैंडी ऑर्टन एंड एलेक्सा ब्लिस के मैच के दौरान द फीन्ड आते हैं एंड रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते हैं, और इसकी वजह से एलेक्सा ब्लिस रैंडी ऑर्टन को पिन करके वो मैच जीत जाती है। एंड इवन रॉ में भी फीन्ड अटैक करते हैं रैंडी ऑर्टन पर। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन वर्सेस फीन्ड की मैच हमें देखने मिलने वाली है रेसलमेनिया में, और ये मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है। दोस्तों, रिपोर्ट ये आ रही है कि फीन्ड शायद स्क्वॉश कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में। अब हमने फीन्ड को देखा है कि वो और भी ज़्यादा स्कैरी हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, और हमें देखने मिल सकता है कि फीन्ड जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में और बदला ले रैंडी ऑर्टन से। तो ये प्रोबेबली हो सकता है एक स्क्वॉश मैच। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले रॉ में क्या कोई स्टिपुलेशन ऐड होता है, और क्या सच में हमें देखने मिलता है एक स्क्वॉश मैच, और अगर ये स्क्वॉश मैच होता है तो कितने मिनट्स का होगा ये स्क्वॉश मैच। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं एज के बारे में। दोस्तों, आपने जैसे देखा होगा फास्ट लेन पेपर व्यू में एज ने अटैक किया दोनों डैनियल ब्राइन एंड रोमन रेंस के ऊपर, और डेव मेल्सर ने यह अपडेट दी है कि WWE सोच रहे हैं कि एज को हील टर्न किया जाए, क्योंकि उन्होंने अटैक किया डैनियल ब्राइन को, वही डैनियल ब्राइन जो बेबी फेस है। और अभी काफ़ी चांसेस है कि डैनियल ब्राइन भी ऐड हो सकते हैं एज वर्सेस रोमन रेंस के मैच में, और रेसलमेनिया का जो मैच है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का वो सिंगल्स मैच से चेंज होकर बन सकता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन रोमन रेंस, एज एंड डैनियल ब्राइन फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगर WWE को एज को एक बड़ा हील दिखाना है तो वो रेसलमेनिया में एक बहुत ही बड़ा शॉकर पुल कर सकते हैं, और वो ये है कि पॉल हेमन जो है वो खुद को अलाइन कर सकते हैं एज के साथ, और ऐसे एज बन सकते हैं हमारे न्यू पॉल हेमन गाय। और उससे भी ज़्यादा अगर शॉकर करना चाहा तो विंस मैकमैन एज को जीता सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया, और दे सकते हैं उन्हें 1 final run विद द चैंपियनशिप। इसके होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बट लेट्स सी अगर WWE फुल फोर्स के साथ जाती है एज को हील टर्न कराने के लिए, क्योंकि एज जो है वो हील में काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर उनका हील कैरेक्टर WWE बाहर लाते हैं तो वो पैर अप कर सकते हैं प्रोबेबली पॉल हेमन के साथ उनको, और जीता भी सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है एज के साथ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो स्मार्क्स है वो एज को थोड़ा सा हेट कर रहे हैं, एंड वो लोग रोमन रेंज को भी चीयर कर सकते हैं अगर एज के साथ उनकी सिंगल्स मैच होती है तो। इसलिए विंस ये मूव पुल कर सकते हैं कि एज को वो एकदम फुल फोर्स के साथ हील टर्न करा ले एट रेसलमेनिया। सो लेट्स सी क्या होता है रेसलमेनिया में, क्या एज फुल फोर्स के साथ हील टर्न ले लेते हैं, और क्या एज बन जाते हैं हमारे न्यू पॉल हेमन गाय, एंड ऑल्सो
क्या एज जीते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड हैं रेसलमेनिया के लिए, सेकंड क्या आप देखना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन एंड फिंड की एक स्क्वॉश मैच, एंड थर्ड क्या आप देखना चाहते हैं एज को द न्यू पॉल हेमन गाय एंड ऑल्सो एज हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। सो गाइज प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।